आज हम बची हुई मूंग दाल चावल की खिचड़ी का कुछ नया बनाएंगे जो आपको बहुत पसंद आएगा। आपको ऐसा लगेगा आप कुछ मिठाई खा रहे हैं। नमस्ते, कमला फूड पार्किंग में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के घंटे को दबा लीजिए ताकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। ये मैंने बची हुई मूंग दाल चावल की खिचड़ी ली है। कढ़ाई के अंदर देसी घी लिया है, आधा छोटी चम्मच देसी घी है। हम देसी घी को गरम कर लेंगे। गरम घी में ये खिचड़ी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को स्लो कर देंगे। हमारी खिचड़ी गरम हो गई है। इसके अंदर आप गुनगुना या फिर गरम दूध डाल दीजिए। ये दूध है, मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा दूध और डाल देती हूँ। अब गैस को हाई फ्लेम कर देंगे और फिर से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमें दूध इतना डालना है कि ये आराम से अच्छे से मिक्स हो जाए एक दूसरे में। आधा चम्मच शक्कर फिर से मिक्स कर लेंगे। जब तक शक्कर गलती है तब तक इसको पकाएंगे। ये देखिए, शक्कर घुल गई है खिचड़ी के अंदर। तो अब मैं गैस बंद कर दूंगी और हमारी खिचड़ी भी अच्छी खासी गर्म हो गई है। आप इस खिचड़ी को गर्मा गर्म खाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। इसका टेस्ट ऐसा आता है जैसे आप कुछ मीठा खा रहे हैं या फिर मूंग की दाल का हलवा खा रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। चावल मूंग दाल की खिचड़ी का हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपना टेस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और एक बार इस तरीके से बनाकर खाएं, आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा।